इंतजार हुआ खत्म, बागी 3 की रिलीज डेट हुई फाइनल। बागी 3 में हुई खिलाड़ी की दमदार एंट्री और वहीं पहले पोस्टर ने मचाया धमाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बागी और बागी 2 की सक्सेस के बाद फैंस बागी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्माताओं ने बागी 3 की घोषणा के साथ साथ इस बात की अनाउंसमेंट भी की थी कि इस बार फिल्म के नए पार्ट में पहले से भी ज्यादा जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और जिसके बाद फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था और पहले दिन ही 25 करोड़ का कारोबार करके अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी थी। और आपको बता दें कि साजिद ने बागी 3 को लेकर घोषणा तक की थी जब बागी 2 रिलीज भी नहीं हुई थी और सिर्फ फिल्म का ट्रेलर आने वाला था। हाल ही में फिल्म के निर्देशक अहमद खान ने बागी 3 ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और फिल्म को दर्शकों के सामने 2020 में लाने का फैसला किया है और जिसके बाद अब बागी 3 6 मार्च 2020 में रिलीज होगी। साथ ही फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फेसबुक पर फिल्म का फर्स्ट पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है कि 6/3/2020 ही विल रिटर्न। आपको बता दें कि दोस्तों, पोस्टर के साथ ही फिल्म में टाइगर का फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया है, जिसके बाद फैंस अपनी एक्साइटमेंट को बयां नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के इस तीसरे पार्ट में एक बड़े स्टार की एंट्री होने वाली है। और दोस्तों, ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी हमारे अक्षय कुमार हैं। और आपको बता दें कि काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि फिल्म में बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं और अब ये बात सही साबित होने जा रही है, जिसके बाद दोस्तों अक्षय और टाइगर साथ में मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आएंगे। हाल ही में अक्षय कुमार फिल्म 2.0 में नजर आ चुके हैं, जिसके बाद अब अक्षय की फैन फॉलोइंग्स काफी बढ़ गई है और बताया जा रहा था कि काफी समय से अक्षय को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वो टाइगर के साथ बागी 3 करे। मेकर्स का कहना था कि यदि अक्षय इस फिल्म को करने से मना कर देते हैं तो वो किसी और स्टार को फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि अक्षय और साजिद नाडियावाला काफी लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे हैं। अक्षय पहले भी साजिद के साथ फिल्म हाउसफुल के तीनों पार्ट्स में काम कर चुके हैं, जिसके रहते अक्षय इस फिल्म को करने के लिए मान गए। लेकिन दोस्तों, अक्षय चाहते हैं कि उनका रोल भी फिल्म में टाइगर की तरह ही दमदार हो और इसी वजह से स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया जा रहा है। और जिसका मतलब तो ये है कि ये दो एक्शन हीरो इस फिल्म में एक साथ धमाके पर धमाके करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बागी 3 की शूटिंग दिसंबर 2018 से ही शुरू होने वाली है और फिल्म का निर्देशन भी अहमद खान ही करने जा रहे हैं और टाइगर श्रॉफ ही फिल्म का हिस्सा होंगे और उनके साथ फिल्म में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान नजर आएंगी। दोस्तों, काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि मेकर्स फिल्म के लिए सारा अली खान और जानवी कपूर के बीच काफी कंफ्यूज थे, वो इस फिल्म में किस एक्ट्रेस को लें। इस बात को लेकर हुए एक लंबे घमासान के बाद मेकर्स ने सारा को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया, जिसके बाद दोस्तों अब बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के साथ सारा अली खान रोमांस करती नजर आएंगी। हाल ही में सारा फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ चुकी हैं और फैंस ने इस नई जोड़ी को खूब पसंद भी किया है। आपको बता दें कि फिल्म बागी 2 फिल्म बागी की अगली कड़ी थी और उस फिल्म में श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की अहम भूमिका थी, जिसके बाद बागी 2 बनी और उसमें टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की अहम भूमिका थी। बागी 2 इस साल 30 मार्च को रिलीज हुई थी। बागी 2 में बागी के मुकाबले एक्शन और थ्रिल बेहद ज्यादा था। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, जिसके बाद फैंस बागी 3 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस जो कर दी है। और अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो वो फिलहाल करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग में बिजी हैं और फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांडे
और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि ये फिल्म 10 मई 2019 में रिलीज होने वाली है। और अगर बात करें सारा की, तो वो फिलहाल फिल्म सिम्भा के प्रमोशन में बिजी हैं। और फिल्म में सारा के साथ रणवीर सिंह और सानू सूद मुख्य भूमिका में हैं। और फिल्म 28 दिसंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार है। तो दोस्तों, आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी बागी के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया। टाइगर श्रॉफ इन दिनों बागी 3 के लिए एक्शन में हाथ साफ कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में 5 साल हो चुके हैं और अब वे एक एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। युवा सितारों में ऐसा बिरला ही कोई स्टार होगा जो उन्हें एक्शन में टक्कर दे सके। टाइगर श्रॉफ ने भले ही बागी 3 के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो निर्माता अभी भी फिल्म की अभिनेत्री की भूमिका के लिए एक नए चेहरे की तलाश में। पिछले 2 पार्ट में श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी नजर आ चुकी है। टाइगर श्रॉफ अपनी बेहद मुश्किल ट्रेनिंग में कई तरह के स्टंट सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदेशों से स्टंट विशेषज्ञों सहित विशेष रिहर्सल सेशन करने की योजना है। बागी 2 इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है, इसलिए तीसरे भाग से प्रशंसकों की उम्मीद दोगुना बढ़ जाती है। बागी 3 के प्रशिक्षण में M16, 84 और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का उपयोग सीखना शामिल है। स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्शन और ड्रामे की भरमार होगी, साथ ही टाइगर विभिन्न अवतार में नजर आएंगे। सूत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि निर्माता साजिद नाडियाडवाला को फिल्म के लिए जानी मानी अभिनेत्रियों द्वारा अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि निर्माताओं ने ये अभी तय नहीं किया है कि वे फिल्म के लिए किसी नए चेहरे का चयन करेंगे या फिर कोई जाना माना नाम फिल्म में टाइगर के अपोजिट नजर आएगा। देश भर में करवा चौथ के त्योहार को जोर शोर से मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ये त्योहार बेहद खास है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ मुहूर्त पर करवा चौथ मनाया जाता है, जो इस बार 27 अक्टूबर को है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को पूजन करने के बाद चांद और पति में से देखने के बाद जल ग्रहण करती हैं। वैसे बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें करवा चौथ को धूमधाम से मनाया गया है। करवा चौथ के मौके पर कुछ ऐसे गानों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जिसे लोग अक्सर गुनगुनाते हैं। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में साल 1995 में आई बॉलीवुड की एवरग्रीन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करवा चौथ सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। फिल्म में दिखाया जाता है कि काजोल ये व्रत अपने होने वाले पति परमीश सेट्टी के लिए रखती है, लेकिन असल में वो चोरी छिपे अपने प्रेमी शाहरुख खान के लिए निर्जला व्रत रखती है। काजोल इस व्रत को रखने के दौरान बेहोश होने का नाटक करती है, उसी प्रेमी के हाथों पानी पीती है जिससे वो शादी करना चाहती है। व्रत की पूजा के बाद राज और सिमरन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। बागवान में करवा चौथ साल 2003 में आई बागवान का करवा चौथ रोमांटिक से कहीं ज्यादा दर्शकों को इमोशनल कर देता है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर फिल्माए गए सीक्वेंस में दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग शहरों में व्रत रखते हैं। चांद निकलने पर हेमा अमिताभ को फोन कर अपना व्रत पूरा करती है। इस सीन में खुद अमिताभ भी हेमा के लिए व्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चांद नहीं निकल आता। जब हेमा को पता चलता है कि अमिताभ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थाली छोड़ चली जाती है। हम दिल दे चुके सनम में करवा चौथ 1999 में आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अधूरी प्रेम की कहानी में करवा चौथ के व्रत को बड़े दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। अगर हम इस फिल्म में करवा चौथ के व्रत की बात करें तो संजय लीला भंसाली ने जिस खूबसूरती से चांद छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी भूला नहीं जा सकता है। इस गाने में सलमान चांद से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे हैं ताकि उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर ना चली जाए। दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। ऐश्वर्या ये व्रत पति अजय देवगन के लिए रखती है, लेकिन उनका दिल सलमान खान के पास होता है। कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ को बड़े ही भव्य अंदाज में फिल्माया गया था। इस सीन में 3 फिल्मी जोड़ियां व्रत रखती हैं। व्रत के साथ साथ बोले चूड़िया गाने में स्टार झूमते भी दिखते हैं। इश्क बिश्क में करवा चौथ 2003 में रिलीज फिल्म इश्क बिश्क में अमृता राव अपने प्यार शाहिद कपूर के खातिर करवा चौथ का व्रत रखती है। बिना शादी किए और किसी को बिना बताए
अमृता यानी कि पायल अपने प्यार शाहिद यानी कि राजीव के लिए निर्जला व्रत करती है। सबकी नजरों से बचकर शाहिद उनका व्रत तोड़ने उनके कमरे में आते हैं। इस सीक्वेंस को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। अब हम बात करते हैं कि बागी 2 की कहानी क्या है। जब बात दिल और दिमाग के बीच फंसी हो तो हमेशा दिल की सुनो। फिल्म बागी 2 का नायक कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ भी कुछ ऐसा ही करता है। रॉनी और नेहा, नेहा यानी कि दिशा पटानी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन नेहा के पिता रॉनी को पसंद नहीं करते। रॉनी और नेहा भागकर शादी करने जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रॉनी अलग हो जाते हैं और नेहा की किसी और से शादी हो जाती है। वहीं रॉनी आर्मी में कमांडो बन जाता है। 4 साल बाद नेहा रॉनी से अपनी किडनैप हुई बेटी के बारे में मदद मांगती है। रॉनी को नेहा के देवर सनी यानी कि प्रतीक बपर पर शक है, लेकिन नेहा का पति शेखर यानी कि दर्शन कुमार रॉनी को बताता है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। इस तरह चीजें काफी उलझ जाती है। आखिर रॉनी इस मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हो पाता है या नहीं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। अपने फिल्मी करियर की दूसरी फिल्म बागी से 100 करोड़ कलम में एंट्री करके टाइगर श्रॉफ ने दिखा दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक्त बागी का सीक्वल अनाउंस कर दिया था। वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 अनाउंस हो गई है। बागी 2 तेलुगु फिल्म छड़म की रिमेक है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन का दर्शकों में कितना क्रेज है इसकी गवाही सुबह सुबह का हाउसफुल शो दे रहा था। देश भर में 3,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी रिलीज है। लाइफ कपल टाइगर और दिशा की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी जमी, खासकर उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बेहतर होने की वजह से स्क्रीन पर यह कपल खूब जमा। हालांकि दिशा और बेहतर कर सकती थी। वहीं खुद टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले ढेरों एक्शन सीन किए हैं, जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटियां बजाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो वन मैन आर्मी के रोल के अंदाज में फपते हैं। अपने एक टॉर्चर सीन में टाइगर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म के लिए खास तौर पर हांगकांग में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको बांध कर रखता है, लेकिन सेकेंड हाफ में डायरेक्टर अहमद खान फिल्म को सफल नहीं बना पाए और आखिरी आधे घंटे में टाइगर के बेहतरीन एक्शन सीन्स के बावजूद कहानी के लेवल पर फिल्म पटरी से उतर जाती है। प्रतीक बब्बर ने विलन के रोल से बड़े पर्दे पर वापसी की है। ये बात और है कि इस कहानी का असली रावण कोई और निकलता है। डीआईजी के रोल में मनोज वाजपेयी हमेशा की तरह जमे हैं। वहीं एसपी के रोल में रणदीप हुड्डा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक डोबरियाल ने भी अपने उस्मान लंगड़ा के रोल को बाखूबी निभाया। फिल्म की शूटिंग मनाली, थाईलैंड, गोवा और लद्दाख की खूबसूरत लोकेशन पर हुई है। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस पर फिल्माए गए माधुरी दीक्षित के गाने 1, 2, 3 पहले ही हिट हो चुका है। हालांकि आप हैरत अंगेज एक्शन सीन वाली फिल्मों के शौकीन है तो टाइगर श्रॉफ आपको कतई निराश नहीं करेंगे। टाइगर श्रॉफ के वन लाइनर डायलॉग, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, इस लड़ाई में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, इतना तोड़ूंगा ना कि अकड़ नजाकत में बदल जाएगी। वन मैन आर्मी के बारे में सुना है, वो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। कहावत सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को बर्बाद कर देता है। फर्ज कीजिए आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं तो वो चाय की चुस्कियां लेते हुए किस बारे में बात करेंगे। जाहिर है उनके जिक्र में आमिर के बेटे आजाद और आराध्या का नाम जरूर आएगा, चूंकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ऐसी काल्पनिक कहानी क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह है। खुद आमिर खान ने कहा है कि वो अमिताभ बच्चन के घर में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, मगर ये सच है कि उन्होंने ये सारी बातें मजाक में कही है। अमिताभ के शो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरअसल ये है कि आमिर खान लंबे अरसे के बाद कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बने हैं। 5 सालों के बाद वो इस शो का फिर से हिस्सा बने हैं। आमिर खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अमिताभ के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस तस्वीर के साथ यह बात भी शेयर की है कि उन्होंने इस शो की शूटिंग के दौरान अमिताभ से कई सारे रिक्वेस्ट की और अमिताभ ने उन्हें पूरी भी की, लेकिन आमिर ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी थी उन्होंने अपनी तरफ से अमिताभ को क्या करने को कहा। शो में आमिर खान ने अमिताभ की फिल्म नमक हलाल का एक संवाद दोहराया, तो वहीं अमिताभ बच्चन से आमिर ने धूम 3 का एक संवाद सुनाने को कहा। फिल्म का प्रसिद्ध संवाद बंदे हैं हम उसके संवाद अमिताभ ने अपने अंदाज में कहा। इसी शो के दौरान आमिर खान ने एक बात तय की कि
वो अमिताभ बच्चन के घर पर अपनी फिल्म ठग साहब की रिलीज से पहले जाने वाले हैं। इसकी वजह अजीबोगरीब है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म की रिलीज के पहले वो नर्वस रहते हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि अमिताभ के घर चले जाएं ताकि वहां जाकर वो खुद को शांत रख पाएं और अमिताभ बच्चन के साथ भी वक्त बिता पाएं। हाल ही में ट्विटर पर बवा सिंह नामक अकाउंट से एक पोस्ट को शेयर किया गया है जिसमें लिखा है कि मैं जो हूँ मैं बवा सिंह हूँ जनाब, इस बात का आप बेहद लिहाज कीजिएगा और जो नहीं करेंगे उनसे मोहब्बत कर करके मैं उन्हें मार डालूंगा, तैयार हो जाओ ट्विटर वालों, आ गए हैं बवा सिंह। तो सुना अपने बवा को, अपने आगमन से पहले आगाह कर दिया है। फिल्म जीरो में शाहरुख खान बवा सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म जीरो के निर्देशक आनंद एल राय ने एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि जीरो के ट्रेलर को 2 नवंबर को रिलीज करने का प्लान है। उस दिन शाहरुख खान का जन्मदिन है। अब तक टीजर और ईद के मौके पर एक गाना रिलीज किया गया था जिसमें शाहरुख और सलमान की जुगलबंदी हुई थी। शाहरुख खान स्टारर और आनंद एल राय निर्देशित फिल्म जीरो इस साल 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। बागी 3 में कौन खलनायक होगा ये अभी तक राज है। कभी अक्षय कुमार का नाम आता है तो कभी भी दुज जामत का। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बागी 3 का विलन कौन होगा। कमेंट करके बताइए कि बागी 3 में किसे विलन के रूप में लेना चाहिए, अक्षय कुमार या फिर विद्युत जामवंत को। आज के लिए बस इतना ही।